अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से खैरियत से। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा पार्सल आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड थी। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश एक्साइटेड थी कब आएंगे। और यहाँ पर डेट दी थी 8 जनवरी की, बट चलो शुक्र खुदा का पहले ही आ गया। और आपको क्या ही मैं बोलूँ, इतनी बदकिस्मती ना, जब किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हो ना, फिर कुछ ना तो कुछ तो बुरा होना ही होता है ना। वैसे ही उन्होंने 3 कॉल किए थे और मैंने उठाए ही नहीं, मैं पढ़ रही थी और अचानक से मैंने पता नहीं कैसे फ़ोन खोला अचानक। अब मैंने वापस कॉल बैक करने की कोशिश की, वरना मुझे मैसेज भी आ गई थी कि आपका जो अटेम्प्ट है पिकअप अटेम्प्ट वो फेल हो चुका है, अब पता नहीं फिर कब आते। तो इसलिए खुदा का शुक्र मैंने अब देख लिया और अब वो फ़ोन करके पूछ रहा था कहाँ पे आना है वगैरह। अब मैं वही जा रही हूँ पार्सल लेने, तो अब मैं जाती हूँ पार्सल लेने और फिर देखती हूँ कि स्किन केयर प्रोडक्ट से कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। मेरा पार्सल कैंसिल होते होते बच गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है पार्सल वाले के सामने भी कैमरा लेकर जाना और बोलना कि मेरे को व्लॉग शूट करना है। पीछे आ गए ना, जिसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड था वो वाला तो आया ही नहीं, दूसरे वाले वो कुछ वो मास्क है वो लाइक पीलिंग मास्क, तो इसका कुछ AHA BHA कुछ था वो, मैंने उसका बड़ा यूट्यूब पर दिखा था तो उसमें उसी के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कब आएगा मैं लगाऊंगी, बट अभी वो नहीं आया है, वो शायद मे बी 1-2 दिन में आएगा। तो फिलहाल हम ये खोलेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी कि मुझे लग रहा है अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ा पढ़ना आता ना मुझे, मैं वो कंप्लीट करूँगी उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, क्योंकि अच्छे से करूँगी इसके लिए, अच्छे से ना मतलब टाइम निकाल के मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। फिलहाल मैं रखती हूँ इधर। तो गाइस फाइनली अब मैं करती हूँ इसको अनबॉक्स। ला मैंने पकड़ा का मैंने लगभग 2 बजे और इस टाइम ऑलमोस्ट बज चुके हैं 4। फाइनली अनबॉक्सिंग करते हैं और मैंने कंपास लाया अनबॉक्सिंग के लिए। क्या करती मैं आपको नीचे जाता नाइफ लाने के लिए। मुझे लगा तो कुछ है ही नहीं। ये रहा मेरा सीरम, ये मैंने ऑर्डर कराया था मिनिमलिस्ट का और नियासिनामाइड, मेरे को कज़न ने बोला था लाने के लिए तो मैंने सोचा मैं लाऊंगी। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन अभी मैं ज़रूर दूंगी जब मैं इसको यूज़ करूंगी, अगर मुझे लगा कि अच्छा है तो। और लाया था मैंने ये फेस वॉश, सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश, हाँ फेशियल वॉश लाया था मैंने, तो ये भी मुझे कज़न ने रिकमेंड किया। फेस वॉश का भी हो गया तो, और मैंने मंगवाई थी ये सेरामाइड की, सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड वाली मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये सब मैंने जो चीज़ें मंगवाई है इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी जब मैं खुद पे पहले एक्सपेरिमेंट करूँगी, अगर मुझे लगा ये ठीक है तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी लाने के लिए। तो फिलहाल मैं करती हूँ यूज़ और हमारी अनबॉक्सिंग वगैरह भी हो चुकी है अब, और अब मैं कूड़ा वूड़ा उठाती हूँ और जरा घर से निकाला जाएगा। वाओ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है राइट, इसको तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं इसको नहीं हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो गया इसको तो हो ही नहीं रहा है कसम से यार, ये क्या है पता नहीं, लगता है कुछ और ही है जो मैं समझ रही हूँ वो नहीं है वो, तो थोड़ा उसको आवाज़ भी इसको नहीं हो रहा है कुछ भी, कुछ अलग ही है। चलो रहने देते इस चीज़ को भी। तो गाइस अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग के बाद अब मैं आई थी चाय पीने नीचे और आई थी घर वालों को दिखाने की ये है इसके अंदर ये राज निकला है, क्योंकि तो आपको क्लोज लुक इनका देना क्योंकि मैं अपने ख्याल में मस्त होती हूँ। अब जो नीचे याद पड़ा ये है मेरा फेस वॉश, पेड प्रमोशन तो नहीं है बट ऐसे ही दिखाऊंगी अब। और ये रही मॉइस्चराइजर क्रीम, ये रहा सिरम, पता नहीं टाइम निकलेगा कि नहीं अब देखते हैं, और एक और ऑर्डर भी आने वाला है उसको भी है टाइम 1-2 दिन। अरे अब मैं चाय पी रही हूँ, यहाँ पे फॉर्म मेरी एडिटिंग कर रहा है, मेरे वीडियो की एडिटिंग कर रहा है बेचारा, यही करता है। तो गाइस चाय वाय पी ली और अब मैं चढ़ रही थी ऊपर, और अब मैंने सोचा पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगी, मैं पहले ये ट्राई करती हूँ देखती हूँ मैं कुछ अभी हिम्मत लगेगा कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत, तो चलिए करते हैं पहले इसको ट्राई करते हैं ट्राई, पहले हम करते हैं ये ट्राई, कुछ जेल पेस्ट गिर रहा है ज़्यादा ही कुछ, हाय 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 मुझे इतना ज़्यादा थोड़ी हो गया, इतना ज़्यादा भी नहीं लगा रहा था, मुझे पता है इस टाइम बहुत लग रही हूँ बहुत से बदतर। फेस वॉश यूज़ करने के बाद मेरा कुछ ऐसा लुक है, अभी मेरे पास को मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा है इस टाइम, जो भी है नॉर्मल है,
मतलब मेरा नेचुरल लुक है इस टाइम पे, और फेस वॉश तो मुझे ठीक ही लगा। अब बाद में पता चलेगा, कुछ रिएक्शन मत करेगा या कुछ, वो बाद में देखेंगे। और फिलहाल मैं यूज़ करती हूँ, एक मिनट, फिलहाल मैं यूज़ करती हूँ अपना सिरम, देखते हैं कैसा है। कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, उन्होंने पहले भी बोला, बस मेरे को कज़न ने रिकमेंड किया था तो इसीलिए लाइक तो इतना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक ही है। अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर क्रीम, अब देखते हैं इसकी स्मेल अच्छी है। तो फिलहाल ये है जो भी है, तो मुझे तो फिलहाल अच्छा ही लग रहा है। इसके बाद अब देखते हैं, कल तक पता चलेगी क्या रिएक्शन मत होगी या कुछ। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं रिव्यू देते रहूँगी इस चीज़ के बारे में कि मतलब अगर मुझे ठीक लगा तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू कि आप भी यूज़ करना फिर, क्योंकि लड़कियाँ मुझे से पहले भी मांग रही थी स्किन केयर टिप्स, कभी टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल अब मैं देखती हूँ क्या होता है इससे। और अब मैं फिलहाल पढ़ने के लिए जाती हूँ, क्योंकि यही तो हो गया, ये भी मैंने चेक कर लिया। So guys, finally I'm just going to end my vlog here and I hope that you will like it and you will share it and aur aaj ka din jo tha waise bhi it was all about pampering myself. I was just pampering myself today and maine kuch cheez order ki thi wahi maine dikhai wagaira, to I hope you will like it aur aap ye aage aage share bhi karenge aur inshallah main alternate days pe vlogging karungi. So yeah, bye bye. Pushing me closer to the edge, and I don't know I lose.